एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के कहने पर सात चूहों को लेकर चील कसाई के पास उन्हें कटवाने जा रही थी। तभी टुनटुनी ने देखा कि सातों चूहे रो रहे थे। नहीं, हमें मत कटवाओ, हम पर रहम करो, आप कुछ और खा लेना, हमें मत खाओ। टुनटुनी चिड़िया ने चूहों को रोता देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो बोली, नहीं नहीं, मैं इन चूहों को नहीं कटवाऊंगी और ना ही इन्हें पकाऊंगी। मैं इन्हें यही नदी के पास छोड़ देती हूँ और माँ के लिए सोया की बड़ियाँ बना दूंगी। वैसे भी वो खाने में मीट की तरह ही लगती हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया चूहों को नदी किनारे छोड़ देती है और सोयाबीन खरीदने के लिए बंटी कबूतर की दुकान पर चली जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देगी, उस माँ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे भैया, मुझे आधा किलो सोया की चाप दे दो। क्या बात है बहन, आजकल आप मेरी दुकान पर नहीं आती, बहुत दिनों बाद आई हो। घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बंटी भैया, घर में मेरी सास आई हुई है, उन्हीं के लिए बढ़िया लेकर जा रही थी। अच्छा अच्छा, ये लो अपनी सोया चाप। ठीक है बंटी भैया, अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया घबराती हुई अपने घोंसले में पहुँचती है और खाना बनाने लगती है। जब सभी रात में भोजन कर रहे होते हैं तो टुनटुनी चिड़िया चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसकी सास सुंदरी उससे कहती है, अरे बहू, तू क्यों नहीं खा रही है? जरा खाकर तो देख, चूहे का मीट कितना स्वादिष्ट है। क्यों अपनी बेटियों की चिंता में पागल हुई जा रही है? वैसे भी आ जाएंगी, जंगल में इधर उधर घूम रही होंगी। जा, अब जाकर बर्तन साफ कर दे। सुंदरी कौवी ने एक दुष्ट जादूगर के साथ मिलकर उसने टुनटुनी के बच्चों को चूहों में बदल दिया था, ताकि सात बेटियों का बोझ उसके बेटे के सर से कम हो सके। और उन्हीं चूहे के बच्चों को सुंदरी ने टुनटुनी को कसाई के पास ले जाने को बोला था। ना जाने मेरी बेटियां कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। अगली सुबह सुंदरी कौवी नदी के पास घूमने के लिए जाती है। तभी वो सात चूहे उसे देख लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा हुआ ये यहीं आ गई, अब हम सब इसे पानी में धक्का दे देंगे। एक तो इस काली कलूटी दादी ने हमें चिड़ियों से चूहे बना दिया, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो सब सुंदरी कौवी को पानी में धक्का दे देते हैं। अरे अरे, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। दादी, अब मजा आ रहा है ना? आप हमें फिर से सुनहरी, पिंकी, भूरी, छिंकी, मिंकी, लूसी, टूनी बना दो, तभी हम आपको बचाएंगे। तुम सब मरी नहीं, इसका मतलब इस टुनटुनी ने मुझे धोखा दिया, वो तुम सबको कसाई के पास नहीं लेकर गई। बच्चों, तुम सब मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे असली चिड़िया रूप में बना देती हूँ। सुंदरी कौवी मौत के डर से तुरंत मंत्र पढ़ने लगती है। ओम ब्लिंग प्रिंग चामुंडाय नमः, ओम ब्लिंग प्रिंग चामुंडाय नमः, ये सब चूहे फिर से पिंकी और सुनहरी बन जाए। इतना कहते ही सातों चूहे फिर से अपने अपने असली रूप में आ जाती हैं और सातों चिड़िया सुंदरी को नदी से बाहर निकाल देती हैं। अपनी बेटियों को ढूंढते ढूंढते टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति के साथ नदी पर आ जाती है और उन सभी की सारी बातें सुन लेती है। छी माँ जी, आप इतना नीचे गिर जाओगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरी बेटियों को मारना चाहा, तुम एक माँ के नाम पर कलंक को कलंक, अपनी मंत्र को गलत इस्तेमाल कर रही हो, अब चली जाओ यहाँ से। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं ये सब तेरी भलाई के लिए ही कर रही थी, ताकि तू दोबारा अंडे देने की सोचे और तेरा बेटा हो जाए, इसलिए मैंने ये सब किया। और बेटियों से ही जिंदगी नहीं काटी जाती, बेटा भी तो चाहिए। अब तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी मेरी भलाई करने की कोशिश मत करना, मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ। और माँ जी, एक बात मेरी समझ लीजिए, बेटा और बेटी सभी बराबर होते हैं, हमें उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं। आप भी तो किसी की बेटी थी ना, उसके बावजूद आपने ऐसी गिरी हुई हरकत करी, मुझे तो आपको माँ जी कहने में भी शर्म आ रही है।
उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सातों बेटियों को गले से लगा लेती है। कालू भी अपनी माँ की काले कारनामे देखकर बड़ा दुखी होता है। माँ, आपने ये क्या किया? आप अपनी ही पोतियों को कल खाने जा रही थी और उसी के माँ के हाथों उन्हें मारना चाहती थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा आप ये सब कर सकती हैं। माँ, टुनटुनी ने बिल्कुल सही कह रही है। आप यहाँ से चली जाएं और फिर दोबारा यहाँ लौटकर कभी मत आना। मैं अपनी बच्चियों के साथ खुश हूँ और मेरे लिए ये बोझ नहीं बल्कि मेरा गुरूर है। बेटा, मुझे माफ कर दे, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। कालू और टुनटुनी अपनी माँ को इस तरह रोता देखकर उसे माफ कर देते हैं। फिर टुनटुनी खुशी खुशी अपनी सातों बेटियों के साथ रहने लगती है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, जरा इधर आकर घोंसले की झाड़ू लगा दे। अरे माँ, आप कर लो ना, मैं मेहंदी लगाना सीख रही हूँ। इस चिड़िया को और कोई काम नहीं है, जब देखो मेहंदी लगाने बैठ जाती है। ये नहीं कि काम में मेरी कुछ मदद कर दे। अरे माँ, आप घोंसले ऐसे ही रहने दो, मैं कुछ देर के बाद झाड़ू लगा दूंगी, आप काम पर चली जाओ। तभी टूनी चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। ए टूनी, चल मेरे लिए खाना बना। आप कब सुधरोगे? सुबह सुबह शराब पीकर आ गए, ये नहीं कि कुछ काम धंधा कर लें। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। चुप कर, मेरा दिमाग खराब मत कर। सुबह सुबह मुझे ट्रेलर मत दे, खाना देना है तो दे वरना बाड़ में जा। ओ टुनटुनी, चल तू मेरे लिए खाना बना कर ला, तेरी माँ का तो दिमाग खराब हो चुका है। टुनटुनी चिड़िया अपने पिताजी से बहुत डरती थी, क्योंकि वो शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरी मेहंदी की डिजाइन संभाल कर रख दो, मैं पिताजी को खाना दे देती हूँ। टुनी चिड़िया जैसे ही टुनटुनी चिड़िया की डिजाइन देखती है तो वो अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह बिटिया, मेहंदी के डिजाइन तो बड़े सुंदर बनाए हैं। चल तू अपना मेहंदी का डिजाइन बना, मैं खाना दे दूंगी। माँ, ये नई स्टाइल की मेहंदी है, मेरी एक दोस्त है वो शहर के जंगल गई थी और वहाँ से मेरे लिए ये मारवाड़ी मेहंदी की बुक लाई थी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है माँ। तभी टुन्नू चुड़ा वहाँ आता है और उनसे कहता है, तुम दोनों यहाँ बातें करने लगी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? आना दो मुझे। तभी टुन्नू जोर से टूनी चिड़िया को मार देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। अरे माँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, पता नहीं तेरे पापा कब शराब छोड़ेंगे। एक दिन टुन्नू चिड़िया पे कुछ जंगली पक्षी हमला कर देते हैं, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। अब टूनी और टुनटुनी चिड़िया अकेले रहते थे। टूनी चिड़िया अमीर पक्षियों के घोंसले में काम करती थी और उसी से कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन की बात है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है और अपने काम पर जा रही हूँ, तू बाकी का काम देख लेना बेटा। माँ, आप जाओ, मैं मेहंदी के पत्ते पीस कर बाकी के भी काम कर लूँगी। टुनटुनी चिड़िया काम पर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था, उसे जब भी समय मिलता था वो मेहंदी लगाने बैठ जाती थी। टुनटुनी चिड़िया ने अपने घर के पीछे मेहंदी के पेड़ भी लगाए हुए थे और उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन टुनी काम से घर वापस आ रही थी, कमजोरी की वजह से वो ठीक से उड़ नहीं पा रही थी और वो एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाती है। कुछ भले पक्षी उसे घर छोड़ देते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया आपको? देखिए, आपकी माँ को गहरी चोट आई है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, ये बहुत कमजोर भी हो गई हैं, इनका ध्यान रखो। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, माँ आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। टुनटुनी, जा संदूक में कुछ पैसे रखे हैं, बाजार से थोड़ा राशन ले आ। टुनटुनी चिड़िया जाकर देखती है तो वो संदूक खाली थी। माँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है, संदूक तो खाली है।
तेरे बाप ने उसकी भी शराब पी ली होगी। मैंने छुपाकर कुछ पैसे रखे थे, पता नहीं कब उसने वो पैसे निकाल लिए। खुद तो चला गया और हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। माँ आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। बेटा तू बाजार जाकर कालू अंकल से सामान ले आ, उनको बोल देना मैं जल्द ही उधार चुका दूंगी। टुनटुनी चिड़िया कालू कोई की दुकान पर जाती है। अंकल कुछ सामान चाहिए था, माँ ने बोला है कि पैसे थोड़े दिनों के बाद दे देंगी। देख बेटा पैसे दे जा और सामान ले जा, मैं उधार नहीं करूँगा। टुनटुनी चिड़िया बिना सामान लिए वहाँ से आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक पेड़ की डाल पर कुछ पक्षी मेहंदी लगा रहे थे। क्यों ना मैं भी यहाँ आकर पक्षियों को मेहंदी लगाया करूँ। वैसे भी स्कूल में मेरी मेहंदी को सब टीचर और मेरी सहेलियाँ पसंद किया करती है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। माँ वो कालू अंकल ने सामान देने से मना कर दिया, बोल रहे थे कि पैसे लेकर आओ और सामान ले जाओ। माँ मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी बाजार के पास जो पेड़ है उसकी डाल पर बैठकर पक्षियों को मेहंदी लगाऊं, उससे कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है बेटा जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म करती है और घर से ही मेहंदी की कौन बनाकर बाजार के पास जो पेड़ था उसकी एक डाल पर बैठ जाती है। मैं यहाँ तो आ गई पर पता नहीं कोई मुझसे मेहंदी लगवाएगा या नहीं। तभी वहाँ एक कबूतरी आ जाती है जिसका नाम बबली होता है। सुनो एक पर में मेहंदी लगाने के कितने पैसे लेती हो? जी एक पर के 100 रुपए हैं। पहले एक पर लगा दो, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं दूसरे पर में भी लगवा लूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस कबूतरी के पर मेहंदी लगाती है और उस कबूतरी को वो मेहंदी बहुत पसंद आती है। अरे तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, कमाल कर दिया तुमने तो। चलो तुम मेरे दूसरे पर में भी मेहंदी लगा दो। बबली की परों में इतनी अच्छी मेहंदी देखकर बाकी की चिड़िया भी उसके पास आती है और उससे मेहंदी लगवाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की अच्छी कमाई होने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई और खाना भी खरीद लेती है और फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है।